तो अभी हम जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर के लिए। मेरे साथ में है सरिता। हाय दोस्तों। तो अभी सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं, काफ़ी तेज़ धूप है। मंदिर में चढ़ाने के लिए नाशपाती ले जा रहे हैं हम। ये देखिए फ्रेश नाशपाती है। ये देखिए पूरा टहनी सहित आ गई है ये। हम निकल रहे हैं अभी गागरीगोल से बैजनाथ के लिए। तो आज सावन का पहला सोमवार है ना। हाँ, आज बैजनाथ से हो रही शुरुआत, फिर हर मंडे को मंदिर जाते रहेंगे कहीं ना कहीं, कभी बागेश्वर कभी दिव्येश्वर। बम बम बोले शंकरदा भी आ गए हमारे साथ बैजनाथ मंदिर के लिए। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं बैजनाथ मंदिर में, और यहाँ पे कलश यात्रा भी आ रही है अभी। मिल गया मुझे भास्कर भाई, कैसा लग रहा है भाई इधर? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलते हैं आगे कलश यात्रा में। आज सावन का पहला सोमवार है तो मंदिर में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है। सामने है गोमती नदी। अभी हम जा रहे हैं मंदिर में जल चढ़ाने के लिए। मंदिर में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सबके दर्शन हो गए, काफी भीड़ है इधर तो। आज कलश यात्रा भी आई है इधर। हाँ, दो दो कलश यात्रा, ये कलश यात्रा और आने वाली से लोग आए हैं। यहाँ पे कलश यात्रा और आ गई है, देखिए भव्य कलश यात्रा। Hey, Daddy!
के दिन यहाँ पे काफी ज्यादा श्रद्धालु आए हुए हैं मंदिर में। दोस्तों ये है गोमती नदी, तो इस पर ये झील बनी हुई थी। आजकल इसका पानी रिलीज कर दिया गया है और इस तरफ से यहाँ से पानी भर के जल चढ़ा रहे हैं लोग। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। मछली को अभी मैं चावल दे रहा हूँ यहाँ पे, कि जैसे चावल डालूंगा ना ये मछलियाँ यहाँ पे आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ पे, शायद आपको अभी दिख नहीं रही होंगी। इस एरिया में डालता हूँ मैं चावल, देखिए इस तरफ आती नहीं आती हैं। ये देखिए आ रही हैं खाने के लिए, काफ़ी मछलियाँ यहाँ पे। पहले भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी मछलियाँ थी, ये झील बनने की वजह से काफ़ी मछलियाँ जो है बह गई हैं यहाँ से। तो फिर भी अभी कुछ मछलियाँ यहाँ पे हैं बची हुई, इन मछलियों को मारना अलाउड नहीं है। तो ये पालतू मछलियाँ हैं मंदिर की, यहाँ पे लोग इनको चावल चने वगैरह चढ़ाते हैं। लोग चावल दे रहे हैं मछलियों को। फाइनली हम अभी मंदिर से जा रहे हैं वापस। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर गेट के जस्ट सामने की तरफ, उधर से मंदिर के लिए एंट्री। अभी हम टीट बाजार की मार्केट में, इस तरफ है टीट बाजार की मार्केट। देखिए सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, तो हम आए थे बैजनाथ मंदिर में, तो फिर हम वहाँ से आए टीट बाजार और ये दीदी की दुकान से मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी। सावन के महीने में हम बैजनाथ मंदिर आए थे। अच्छा, हाँ कैसा लगा फिर मंदिर? बहुत अच्छा लगा। आपके साथ में कौन आई? ये मेरी सहेली है। ये तो शर्मा रहे हैं काफी, हर साल आते हैं हम सावन के महीने में। ये हम वापस गागरी गोल के लिए जा रहे हैं, बस में बैठे हुए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गागरी गोल में, और कैसा लगा फिर आज? अच्छा लगा। मैं अभी आरव को लेने भी गई थी, आरव और हर्षु को, दोनों को लेके भी आ गई हूँ, फिर आना पड़ेगा वरना। तो मैंने, तो आगे से जा रहे हैं बच्चे। हेलो गाइस, हम स्कूल से आ रहे हैं। क्या किया आपने स्कूल में? पढ़ाई की। कैसा लगा स्कूल में? अच्छा अच्छा। क्या पढ़ाया आज? ABCD। गाइस आजकल यहाँ पे चारों तरफ रोपाई लगी है, तो पूरा हरियाली छाई हुई है हर जगह, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है। हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं, अभी बारिश का मौसम बन रहा है और आज गर्मी भी काफ़ी थी दिन भर में। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिमालयन ग्लाइडर, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के आपके पास नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।